नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। झारखंड के धनबाद में दामोदर वैली वस्तु भारत संग्राम समिति द्वारा दिए जा रहे धरना प्रदर्शन के समर्थन में पहुंचे जेबी के एसएस सुप्रीमो जयराम महतो। डीवीसी प्रबंधन एवं निरसा विधानसभा में ट्रिपल ए को लिया आड़े हाथों। निरसा विधानसभा के मैथन स्थित डीवीसी मिश्रित भवन के समक्ष बीते 6 दिनों से दामोदर वैली वस्तुहारा संग्राम समिति द्वारा अध्यक्ष वासुदेव महतो के नेतृत्व में विस्थापियों के नियोजन सहित अन्य मांगों को लेकर दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समर्थन देने सोमवार को जेबी के एसएस सुप्रीमो जयराम महतो मैथन पहुंचे। इस दौरान जयराम महतो ने डीवीसी प्रबंधन एवं निरसा विधानसभा में ट्रिपल ए को जमकर लताड़ा एवं खरी खोटी सुनाई। जयराम महतो ने कहा कि यहां जो विस्थापितों की मांग पूरी नहीं हो रही है उसके लिए डीवीसी प्रबंधन के साथ साथ निरसा में ट्रिपल ए की कूटनीतिक राजनीति भी काफी हद तक जिम्मेदार है। यहां लोग नहीं चाहते कि विस्थापितों की मांग पूरी हो, चाहे मैथन स्थित डीवीसी का मामला हो या संचेत का मामला हो या फिर निरसा स्थित एमपीएल का मामला हो। निरसा के हर एक कोने में ट्रिपल ए अरूप चटर्जी, अर्पणा सेन गुप्ता एवं अशोक मंडल की कूटनीतिक राजनीति की वजह से आज विस्थापित तो अपने हक एवं अधिकार के लिए लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, परंतु जेबी के एसएस एवं जयराम महतो हमेशा विस्थापितों एवं गरीबों के हक एवं अधिकार के लिए खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। आइए जानते हैं जयराम महतो और वासुदेव महतो अध्यक्ष ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। जयराम महतो हम लोग को समर्थन किए है, जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। इतना दिन से लड़ रहा है, इसको अब खत्म करके उठेंगे। जिसके लिए हम लोग को जितना कुर्बानी देना है, जान भी देना है तो जान देंगे, लेकिन फाइनल कर देंगे। कौन सा अधिकारी से बात हुआ था अभी? डीजीएम से बात हुआ, जीएम से बात हुआ, उन्होंने खाली आश्वासन देता है। चेयरमैन से मीटिंग कराएगा, कब मीटिंग कराएगा वो फाइनल नहीं, अगस्त में कराएंगे तो करा अगस्त में। हम लोग गांधीवादी तरफ से लड़ते हैं, शांतिपूर्वक हम गेट जाम नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। हम लोग चुपचाप बैठे हैं, बैठे रहेंगे। यहाँ सीआई सब घूमता है, ड्रोन कैमरा उड़ाता है, हजार को फोटो लेता है, लाठी लेके घूमता है, उससे हम लोग डरने वाला नहीं है। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ से उठेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई है, इस बार आर पार की लड़ाई है, ये फाइनल। हमारा मांगे पूरा होगा तब हम छोड़ेंगे। लिखित जो है, इतना दिन से लिखित है, यही करेंगे वही करेंगे, सबको मौका दे देंगे। आज तो इन लोगों को उधर रखा है, कुछ काम फाइनल न किया है। लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट को बात नहीं मानता है, डीसी का मिनट्स नहीं मानता है, ये अपना जो मिनट्स है उसको भी नहीं मानता है, तो तुम कुछ मानता ही नहीं है, तो एक बार बैठ के जो होगा वासुदेव महतो इसका औचित्य होगा। कुछ ही महीनों के कार्यकाल में वापस मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति थे, अच्छा कार्य कर रहे थे, विपक्ष वाले लोग भी उनकी प्रशंसा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रेशर है, गठबंधन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री का लोभ भी है, तो इसीलिए हम लोग प्रयास करेंगे अपने दम पर हमारी सरकार बने, ताकि हम जिन मुद्दों को, जिन नीतियों को यहाँ स्थापित करना चाहते हैं उन नीतियों को स्थापित करने में असुविधा ना हो। और हमने तो पहले कहा कि अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग सबसे पहले जो विस्थापन की नीति है इस पर एक बेहतर कानून बनाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगर राज्य के हिस्से में जो पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा, उसके माध्यम से जो आज इनकी ज़मीनें ली जा रही है उन्हें एक बेहतर तरीके से नए सिरे से पुनर्वास और नियोजन की व्यवस्था की जाएगी। और देखिए, ये मजबूत, जब सरकार मजबूत होती है, हमारे साथ हमारी गाड़ी में आज एक माइनिंग सरदार भी आए हैं, हालांकि उनसे आपका परिचय नहीं करवाएंगे, सरकारी व्यक्ति है, उनकी नौकरी जाने का चांस हो सकता है। तो उन्होंने भी वही चीज़ों को कहा कि हम काम करते हैं मैंने WCL में, WCL यानी जो महाराष्ट्र के नागपुर में है, वहाँ इस प्रकार की समस्याएं नहीं होती। अगर वहाँ किसी रैयत का जमीन लिया जाता है तो उसे सम्मान पूर्वक नियुक्ति पत्र दिया जाता है, सम्मानित करके दिया जाता है। जैसे आज अगर मैट्रिक की परीक्षा में रिजल्ट कार्ड के साथ बच्चों को सम्मानित किया जाता है, इंटर में जब कोई टॉप करता है उसे सम्मानित किया जाता है, तो WCL, NCL, MCL जो बाकी यूनिट हैं उनको सम्मानित करते हैं, प्रशस्त मैंने पत्र देते हैं, नियुक्ति पत्र देते हैं, उनको नियोजन देते हैं, उनको पुनर्वास आयोग के माध्यम से उनको
नया आवास देते हैं, लेकिन जैसे ठीक आप झारखंड आते हैं तो झारखंड में आप 70 सालों से समस्या को जस कर तस पाते हैं, लाठियां पाते हैं, आप केस मुकदमे पाते हैं, तब ये सवाल बन के आता है कि क्या झारखंड में लीडरशिप की कमी है या फिर जो झारखंड के लीडर हैं वो परिस्थितियों के साथ तालमेल कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, हालात के आगे झुक जाते हैं। तो अगर हालात के आगे ये नेता हमारे झुक जाते हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व झुक जाता है, तो हमें लगता है कि शीर्ष नेतृत्व में बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर उनको डर लगता है कंपनियों से सीधी बात करने में, कंपनियों से सीधा टकराने में, अगर उन्हें भय लगता है कि उनके परिवार का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, तो हम चाहेंगे ऐसे लोग राजनीति में नहीं आए। युवाओं के हाथों में कमान सौंपे, युवाओं के हाथों में बागडोर दें, ताकि युवा, जिसको अगर उलट के बात करेंगे तो वायु होता है, वायु के रफ्तार में यहाँ की समस्याओं का निदान कर सके। यहाँ के प्रतिनिधि हैं जो ट्रिपल ए के नाम से जाने जाते हैं, ए क्यूब के नाम से जाने जाते हैं, और उनका तमाम जो हिस्सेदारी है उनका प्रतिशत है, और यहाँ तक हमें सूचना मिली कि एक जो यहाँ के बड़े लीडर है उनका हस्ताक्षर 4 रंग के कलमों से होता है। अगर वो नीली कलम में हस्ताक्षर करें तो कंपनी को संदेश है उसको नौकरी में रखना है तो परमानेंट रखना है कि टेम्प्रेरी रखना है। अगर लाल कलम में साइन करते हैं तो उसका अलग मतलब है, अगर हरा कलम में साइन करते हैं तो अलग मतलब है, और काला रंग के कलम में साइन करते हैं तो अलग मतलब है। ये तो हमको पहली बार निरसा में आके पता चला कि यहाँ का कोई एक बड़ा लीडर है जो 4 रंग के कलम से साइन करता है, जो कि साइलेंटली कंपनी को कहता है कि इस वर्कर को कहाँ रखा जाए। तो ये चीज़ें स्पष्ट कहती है कि उनका कंपनी में साठगांठ है, उनका कंपनी के साथ साझेदारी है। जिस दिन वे लोग अपनी साझेदारी को यहाँ से तोड़ेंगे, निसंदेह सक्षम रहेंगे, वे लोग खुद सक्षम रहेंगे। जब मैं एक साधारण सा लड़का हूँ, भले हम लोग अच्छा वोट लाए हैं लेकिन अभी तक हम लोग किसी संवैधानिक पद में नहीं है, लेकिन हम लोग मलेशिया का मैटर को घर बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं और इतिहास बनाते हैं कि मलेशिया की कंपनी अभी भी मजदूर का डेड बॉडी नहीं पहुंचा है लेकिन मुआवजा घर पहुंच चुका है। क्या है भाई, जरा मत कौन है, एक साधारण सा लड़का है, एक किसी संवैधानिक पद पे नहीं, और मलेशिया उनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं पहुंची है और मुआवजा घर पहुंच चुका है। क्यों, हमने प्रयास किया, तो प्रयास कैसे कर पाए ना, हम लोग ईमानदार हैं, हम उनसे चंदा नहीं लेते हैं, हम उनके साथ बिकते नहीं हैं। जब एक साधारण सा लड़का मलेशिया का मैटर को घर में बैठ के लगातार टेलीफोनिक माध्यम से और वहाँ मैंने समस्या का समाधान करता है, जहाँ जबकि एक सरकारी व्यक्ति डीसी के ये ऐसा मामला है 6 लाख मिल रहा है ले लीजिए, बहुत सारे वहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि है उन्होंने कहा कि 6 लाख बहुत मिल रहा है, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और फाइनली मलेशिया का मैटर का हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, और सॉर्ट आउट ही नहीं करते हैं, 12 लाख का मुआवजा उनकी डेड बॉडी पहुँचने से पहले घर पहुँचता है। तो सोच के देखिए, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक साधारण लड़का अगर उनके आगे झुकता नहीं है, उनके सामने बिकता नहीं है, तो समस्याओं का समाधान नहीं कराता है। ये विधायक है, ये सरकार में बैठे लोग हैं, ये बाहुबली लोग हैं, ये दगम दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर ये चाहेंगे तो हर एक दिन विस्थापित की समस्या का समाधान होगा, मजदूरों की समस्याओं का निदान होगा। अफसर से अभी आप बातचीत कर जाते तो हमारा मांग ही नहीं रहता, हम लोग लड़के कोल इंडिया का हेडक्वार्टर और डीबीसी का हेडक्वार्टर धनबाद लेकर आते, लड़के लेकर आते, उसके लिए चाहे जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ता। आगे का रुख क्या है आपका? आगे का रुख है, उन्होंने आश्वासन, क्योंकि आश्वासन तो आज 70 सालों से दिया जा रहा है, उनका बात हुआ है टेलीफोनिक माध्यम से एक बड़े अधिकारी से, उन्होंने कहा कि हम लोग कलकत्ता में फर्स्ट वीक में इनका वार्ता होगी, और इस बार अगर वार्ता में कहीं भी चूक हुई तो हम लोग एक उग्र आंदोलन के लिए बढ़ेंगे, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनको कहेंगे कि अपने हृदय को मजबूत करेंगे, अपने दिल को पत्थर बनाएंगे और मान के चलेंगे कि हर परिवार एक शहादत देगा। आपके ऊपर यहाँ के स्थानीयों का बहुत बड़ा आस्था है, वो आस्था किस तरह? आस्था नहीं टूटेगी उनके साथ, अगर मेरे भी प्राण संकट में आएंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ ट्रिपल ए भी आपको, ट्रिपल ए का हालत खराब है, यहाँ आपको कमजोर करने के लिए वो आप फूट डालने की कोशिश करें। ट्रिपल ए का हालत, एक एक जे से ट्रिपल ए का हालत खराब है, एक जे से ट्रिपल ए का हालत खराब है, ये सही है। और उनकी जो अभी तक की राजनीति रही है, क्या रही है नहीं रही है, लेकिन वर्तमान में जो बड़ा उदास लग रहा है, जो वर्तमान के यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो विधायिका हैं, कहीं ना कहीं चाहे MPL का मामला हो जिसमें एक आदिवासी परिवार का, मतलब 6 दिन तक हम लोग धरने पर बैठे थे, बॉडी से बदबू आने लगी थी, उस मामले में लास्ट में प्रेसराज होकर मंत्री जी को आना पड़ा, चंपई जी, तो और उस लेकिन स्थानीय विधायक जी नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब है ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि सरकार में बैठे मंत्री यहाँ आ जा रहे हैं जब हम लोग 6 दिन का प्रेशर बनाए, लेकिन अगर आप स्थानीय विधायक नहीं पहुंच पाते हैं तो ये संदेश यही दे रहा है कि आप पे लोग सवाल क्यों ना करें कि आप कंपनियों से मैनेज हो रहे हैं, आप पे ये लांछन क्यों ना लगे, तो ये सवाल तो बनता है। अभी 3 दिन से 3 लोगों का भी धरना चल रहा है, अभी तक तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं। देखिए, जनप्रतिनिधि आखिर किस मुख से आएंगे, एक रास्ता रहेगा, अगर मान के चलिए जिनके खिलाफ धरना दे रहे हैं और उनसे अगर वो मोटा रकम लेते हैं, उनसे अगर वो चंदा लेते हैं,
तो हमें नहीं लगता है कि वो आ पाएंगे, लेकिन हम जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं, हमारे उनसे बेचारी की लड़ाई है। हम यही उनसे कहेंगे कि अगर वास्तव में आप जनप्रतिनिधि हैं, आप मानवता के पुरोधा हैं, तो ऐसे लोगों के बीच आप आइए, इनकी समस्याओं को सुनिए, और सुनिए ही नहीं समाधान कीजिए, क्योंकि सदन में जाने का अवसर आपको मिला है, हम लोग सड़क पर बैठे हैं। जिस दिन सदन में हमें जाने का अवसर मिलेगा, इतना तो मतलब इतनी देरी नहीं होगी समस्याओं का निदान करने में। सर जैसे कि यहाँ